हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग शुरू किया है मैंने दोपहर से। मैं बना रही थी आज लंच के लिए वेज मोमोज, और वेज मोमोज इसीलिए क्योंकि सुबह थोड़ा सा हेवी ब्रेकफास्ट हो गया था, तो फिर इतना कुछ खाने का मन नहीं था, दाल चावल टाइप्स। तो मैंने सोचा चलो आज मस्त मोमोज बनाते हैं। तो मैंने थोड़े बहुत सब्जियाँ लाया था, तो बस उन्हीं को मैं पहले समेट के रख दिया। साथ ही साथ मैंने एक चॉपर मंगवाया है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि घर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें कभी बनाना होता है, लाइक मोमोज या फिर चिकन मोमोज या फिर कुछ ऐसा जिसमें बहुत फाइन चॉपिंग करनी पड़ती है। घर में कोई छोटी मोटी पार्टी हो, लाइक पाव भाजी बनाना है जिसमें बहुत फाइनली हमें जिंजर गार्लिक एंड जो प्याज है उन्हें फाइनली चॉप करना पड़ता है। जिंजर गार्लिक अगर फाइनली चॉप करके ऐड करो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो बात करते हैं ये प्रोडक्ट की। तो इस ब्रांड का नाम है MS Tefio इलेक्ट्रिक चॉपर। रिचार्जेबल है, आप इसे कहीं पे भी ले के जा सकते हो। आपको 4 बाउल्स मिलेंगे। अगर आपको नॉन वेज में चिकन मीट जैसा कुछ चॉप करना है वो भी आप इसमें बहुत इजीली चॉप कर सकते हो। और इसमें टाइप सी आपको एक कनेक्शन मिलेगा जिसके वजह से आप इसको चार्ज करके ईजीली यूज कर सकते हो। आपको ये मोटर पावर मिलेगा और जब आप इसे चार्ज करोगे तो रेड लाइट ऑन हो जाएगा। अगर रेड लाइट ऑफ हो गया तो इसका मतलब ये फुल्ली चार्ज्ड हो गया। 4 बाउल्स के साथ ये आता है। सबसे बड़ा जो बाउल है वो 600 ml का है, उसके बाद ये 3 जो बाउल्स है वो 240 ml के हैं, और ये जो बड़ा बाउल है इसमें आप चिकन मीट जैसे कोई भी चीज़ इजीली चॉप कर सकते हो, क्योंकि इसके ब्लेड्स काफ़ी ज़्यादा शार्प है, इतने ज़्यादा कि आप 15 से 20 सेकेंड में ही आपका काम, बस 1 प्रेस कर लो और आपका काम बिल्कुल हो जाएगा। इसी के साथ आपको 1 सिलिकॉन स्क्रैपर भी मिलेगा और 1 नॉन स्लिप सीट कुशन, जिसके वजह जैसे ये जो बाउल्स है ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगे जब आप इस चॉपर का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये कितना फाइनली और बहुत ही अच्छे से चॉप हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को भी चॉप कर लिया, और ये हैंड वॉश भी सेफ है, तो ये बहुत अच्छा भी प्रोडक्ट है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट करना। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को बहुत फाइनली अच्छे से चॉप कर लिया है इस चॉपर के हेल्प से। तो बस सिमिलरली मैंने अनियन मिर्ची को भी चॉप कर लिया और साथ में कैरेट को भी चॉप कर लिया। और ये प्रोडक्ट आपको पाव भाजी जब बनाते हो या फिर चाइनीज़ आइटम कुछ बनाते हो उसमें अदरक लहसुन ना थोड़ा अच्छे से फाइनली चॉप रहा ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और अगर बड़ा बड़ा चॉप रहा तो वो एकदम मुँह में आता है ना, तो फिर खाने की इतनी इच्छा होती नहीं है। तो बस मैंने सारे जो मुझे मोमोज़ के लिए जिस स्टफिंग के लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी वो सब मैंने चॉप कर लिया। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। कैबेज, अदरक, लहसुन, प्याज, मिर्ची और ये कैरेट, आप चाहो तो इसमें कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हो। तो बस मैंने सारी चीज़ों को ऐड कर दिया अलॉन्ग विद सम अदरक लहसुन, और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया। अब मैं ये भूल गई कि इसमें से पानी खूब सारा निकलेगा, तो मैंने पहले ही ये दोनों चीज़ें ऐड कर दिया, बट ठीक है उसका फ्लेवर तो इसमें आ ही गया था। तो मैंने नमक ऐड करके इसको साइड में रख दिया। तब तक मैंने यहाँ पर चटनी की तैयारी कर लिया। चटनी के लिए यहाँ पर मैंने 2 टमाटर 1/2 करके चॉप कर लिया और साथ में धनिया के डंठल। अब एक सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो चटनी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा वाटरी बनती है। अब क्योंकि पानी के साथ ये सारे फ्लेवर्स इन्फ्यूज़ हो जाएंगे तो फिर जो पानी है हम इसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी रेड चिली भी ऐड कर दिया है कुछ 3-4, और अदरक लहसुन जो चॉप किया था वो भी ऐड कर दिया है, और बस उबलने के लिए छोड़ दो। तब तक मैंने यहाँ पर डो लगा लिया। 1 कप मैदा लिया था, इसमें 1 टीस्पून मैंने तेल ऐड किया और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, और इसको हार्ड डो लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है, हार्ड लगाना है, और कम से कम इसे 20 मिनट का रेस्ट देना है। और तब तक यहाँ पे जो हमारी कैबेज मतलब स्टफिंग है इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आ चुका है नमक के वजह से, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी निकाल लिया है। आप पानी को फेंकिएगा नहीं इसको, मतलब इससे आप एक तो आटा लगा सकते हो या फिर अगर आप कोई सूप बना रहे हो ना तो इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बस ऊपर से काली मिर्च डाल दिया था और मिक्स कर दिया स्टफिंग में, और ये जो
हमारी चटनी के लिए सारी चीज़ें अच्छे से हो गई थी, तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में। जो पानी था ना, वही पानी मैंने ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा पानी कुछ नहीं ऐड किया है। और ये बहुत अच्छे से पीस चुका है, थोड़ा हल्का दरदरा ही पीसना है। उसके बाद एक पैन में हम लेंगे ऑयल, जिंजर गार्लिक थोड़ा सा हल्का रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद ये चटनी का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसे बस 2 मिनट चलाने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है टोमेटो केचप, थोड़ा सा विनेगर, और थोड़ा सा मैंने इसमें सोया सॉस भी ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा नमक जितना आपको टेस्ट लगता है। और बस इसे 2 मिनट और चला लेंगे। उसके बाद लास्ट के इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा मैगी मसाला मैजिक, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार ट्राई करना जब भी, अगर आप चटनी बनाते हो ये मोमोज़ की, तो एक बार मैगी मसाला मैजिक ज़रूर ऐड करके देखना। तो बस यहाँ पे चटनी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, अभी मैं मोमोज़ बना लेती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे मोमोज़ बनाने में जो शेपिंग है ना, वो अभी भी मैं प्रॉपर नहीं कर पाती। जो थोड़ी बहुत मुझे आती है वही मैंने यहाँ पे दिखाई है आपको। और ये जो शेप है, ये वाला तो कॉमन है जो हम ठेले वाले के पास खाते हैं। तो थोड़े से बड़े ही मैंने मोमोज़ बनाए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े मतलब छोटे नहीं बनाए हैं। और बस यहाँ पे मैंने 2 शेप्स एक्स्ट्रा बनाए थे, एक ये शेप और एक मोदक टाइप का। अद्वी को ये 2 शेप्स पसंद है इसी वजह से। तो बस मैंने स्टीम कर लिया है मोमोज़ को, और क्योंकि लंच टाइम था तो मैंने दोपहर को खिचड़ी बनाया था। अद्वी को मोमोज़ के साथ खिचड़ी भी खाना था, क्योंकि वो मोमोज को एज अ स्नैक करके खाएगा, बट खाने में क्या खाएगा, इसलिए मैंने उसके लिए खिचड़ी बना लिया था। आप ये मोमो की चटनी कम से कम 1 महीना फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और फ्रीज़र के नीचे का जो एरिया है ना, वहाँ पे रखना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। वैसे तो मैं यूज़ कर लेती हूँ फ्राइड राइस वगैरह में। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी मलाई कलेक्ट हो गई थी, बहुत दिनों से सोच रही थी कि अभी आज घी बनाऊँगी, बट बनाना ही नहीं हो रहा था। अब घी भी मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा आज की चलो अभी घी बना ही लेते हैं। घी बनाने का जो प्रोसेस है वो मैं हमेशा टालते रहती हूँ, बट वो मलाई बहुत सारी कलेक्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मलाई को ऐड कर दिया है मिक्सी जार में, और घी को मैंने लो फ्लेम पे रख दिया था, तब तक मैंने अपने बाकी के काम कर लिए, और थोड़ा बहुत फिर टाइम मैं बीच बीच में अद्विक के साथ भी स्पेंड कर लेती हूँ, जैसे कि उसके साथ खेलना। किसी दिन अगर वो घर पे है तो फिर पूरा टाइम मैं उसको देती हूँ, क्योंकि बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि घर के काम करते करते हमें बच्चों को भी ध्यान देना पड़ता है, उन्हें कुछ नई चीज़ें सिखाना पड़ता है, नई एक्टिविटीज़ करानी पड़ती है, इसी से तो वो सीखते हैं। तो बस उसके साथ खेलने के बाद मैंने फिर जो मेरे थोड़े बहुत कपड़े ड्राई करना था वो मैंने ड्राई कर लिया। कुछ कपड़े आए थे प्रेस से, तो उन्हें निकाल के मैंने कबर्ड में अच्छे से रख दिया, क्योंकि ये सारे काम ना मैं हमेशा छोड़ देती हूँ और फिर वो पाइलअप होते रहते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेती हूँ, कितना ही टाइम लगेगा ये सोच के।
इवनिंग का टाइम हो चला था और जो घी है वो अच्छे से कट चुका था, लो फ्लेम पे मैंने रख दिया था और बस मैंने छान के रख दिया घी को और मैंने अपने लिए चाय बना ली। और मुझे शाम की चाय इज़ अ मैंडेटरी, मतलब दिन भर के काम थकान ये मुझे चाय से ही मेरी कम होती है और शाम के मतलब मेरे जो नाइट के रूटीन्स है इसके लिए मुझे थोड़ी सी ताकत कह सकते हो वो मिलती है, एनर्जी। तो बस मैंने है। अपने जो बर्तन पड़े थे उन्हें वॉश करके रख दिया। उसके बाद अद्वी को शाम को मैं इवनिंग के लिए हर दिन साइकिलिंग के लिए और वॉकिंग के लिए लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को इंडोर के साथ साथ आउटडोर गेमिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस साइकिलिंग कराने के बाद अद्वीक की मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिया, क्योंकि पढ़ाई भी लेना ज़रूरी है, बच्चों को एटलीस्ट एक घंटा देना ही चाहिए पढ़ाई के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और बस डिनर की तैयारी हो रही है। तो लौकी काट रही हूँ मैं, तो आज बन रहा है लौकी चना दाल। वैसे मैं सिर्फ चना दाल नहीं यूज़ करती, थोड़ा सा मैं उसमें तूर दाल ऐड करती हूँ क्योंकि चना दाल थोड़ी सी हेवी हो जाती है इसी वजह से। तो बस यहाँ पे लौकी को मैंने चॉप कर लिया, साथ में चॉप किया है टमाटर। उसके बाद जितना मैंने चना दाल लिया उतना ही मैंने तूर दाल लिया है। बस दोनों को वॉश कर लेके अच्छी तरह से, उसके बाद लौकी और टमाटर दोनों एक साथ ही मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब दाल चावल बन रहा है तो साथ में पापड़ तो बनता ही है। जब भी मैं दाल चावल बनाती हूँ, कोई भी दाल, दाल फ्राई हो या फिर सिंपल दाल, जिसमें मैं पापड़ ज़रूर फ्राई करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है इसी वजह से। और राइस मैंने साइड में रख दिया था पकने के लिए। रोटी वगैरह मैं आज कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, सिंपल दाल चावल और पापड़ बहुत अच्छा लगता है, कम्फर्ट फूड लगता है मुझे तो। तो बस दाल को मैंने तड़का लगा लिया है, सिंपल सा राई, ज़ीरा, गार्लिक और रेड चिली, और रेड चिली का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला वगैरह। और बस ये दाल भी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी थी, तो मैंने ऊपर से हरा धनिया ऐड कर दिया। अब गर्मा गर्म थाली सर्व करते हैं, जिसमें है दाल, लौकी की, साथ में अचार, चावल, पापड़। एक ही थाली इसीलिए बनाई क्योंकि अद्वी को सबसे पहले मैंने खाना दे दिया था, उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने खा लिया था। उसके बाद काउंटर टॉप की मैंने पूरी सफाई कर लिया और बस आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ जल्दी। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।